हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में, जो डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में है। दोस्तों, अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 101 वैकेंसी है, और इसके पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 के बीच में है, और इसका ग्रेड पे जो है 6,000 है। आइए अब बात करते हैं डिसिप्लिन वाइज जॉब्स की। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसी हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 6 वैकेंसी हैं, एग्रोनॉमी के लिए 4 वैकेंसी हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी हैं, और इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, और एंटेमोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है, फिशरीज के लिए 1 वैकेंसी है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए 5 वैकेंसी है, होम साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर के लिए 31 वैकेंसी है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, प्लांट पैथोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है, और प्लांट साइकोलॉजी के लिए 6 वैकेंसी है, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 7 वैकेंसी है, स्टैटिक मैथमेटिक्स के लिए 4 वैकेंसी है, और टोटल 101 वैकेंसी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, एग्रोनॉमी, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो हॉर्टिकल्चर, प्लांट टेक्नोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, तथा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और होम साइंस के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट को नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इसके लिए कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और कम से कम 55% मार्क के साथ, और उसके साथ साथ कैंडिडेट को नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स या मैथ्स में, या फिर MSc इन हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स में, और उसके साथ साथ कैंडिडेट को नेट क्वालिफाइड होना चाहिए कम से कम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जर्नल और OBC कैंडिडेट के लिए 1,250 रूपए फीस है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 750 रूपए फीस है। पेमेंट मोड की बात करें तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो फॉर्म भरने की जो डेट है 19 नवंबर 2018 से स्टार्ट हो रही है, और उसका लास्ट डेट जो है 17 दिसंबर 2018 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू बेस्ड है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।